ओके okay, सो so, जो थर्ड क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी है अपनी दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो यहाँ पे देखो इन फ्रीजिंग प्रोसेस जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रैंडमली अरेंज मतलब जब अपन फ्रीजिंग कर रहे हैं मतलब वी हैव अ लिक्विड एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सॉलिड जैसे लिक्विड वाटर है उसको अपन कन्वर्ट करें सॉलिड आइस में बेसिकली तो क्या हो रहा है कि लिक्विड में क्या है कि देर इज़ अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ओके और जैसे जैसे अपन इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा उसका कैनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा ओके okay? एंड दैट्स वन द फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट एक्चुअली जब कैनेडिक एनर्जी कम हो जाएगी सो दिज अट्रैक्टिव फोर्सेज बिकम स्टार्ट टू डोमिनेटिंग फोर्सेज और दे स्टार्ट टू फ्रीज ओके तो इसकी वजह से एक लैटिस स्ट्रक्चर बनता है जो आपने को यहाँ पर देखा ही है अपन ने सो दिस इज अ लिक्विड पार्टिकल एंड दिस इज अ सॉलिड पार्टिकल्स ओके एंड ये अपन ने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में भी देखा है थर्मोकेमिस्ट्री में देखा है ओके okay? नाउ जब भी वोलाटेल लिक्विड अपन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता ही है एजेंटेड हो सकता है कि ये वेपर प्रेशर कम हो या हो सकता है ज़्यादा हो और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिक्विड है और दैट इज़ वोलाटाइल लिक्विड तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और अगर लेस वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा एजेंटेड तो अगर सॉलिड की भी बात करें तो कुछ ना कुछ उसका जो स्टेट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन अ लिक्विड स्टेट सो पॉइंट यह है कि इवन इन सॉलिड स्टेट कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में रहेंगे और उसका भी एक वेपर प्रेशर रहेगा ये बहुत कम रहेगा एंड इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओके बट जो वेपर सॉलिड में भी वेपर प्रेशर रहेगा राइट right? और जब अपन uh, ये करते हैं फ्रॉम फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट तो यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली चेंज होता है डिक्रीज होता है ओके देर इज़ अ ब्रेक इन द वेपर प्रेशर पॉइंट तो मैं तुमको ग्राफिकली दिखा दूंगा किस तरह से ब्रेक होता है यहाँ पे तीन फेजेस होते हैं एट द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पे तीनों फेज रहेंगे देर इज अ लिक्विड फेज देर इज अ सॉलिड फेज और कुछ वेपर फेज भी होता है ओके okay, जैसे मैंने बताया बहुत कम होता है बट इट इज देयर ओके तो ये जो आ, आ, प्रोसेस होगा उसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया रहेगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर ओके मोस्टली अपन जब फ्रीजिंग की बात करते हैं तो इट इज डोमिनेटेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस लेकिन दिस इक्विलीब्रिया इज ऑल्सो देयर लिक्विड टू वेपर स्टेट और यहाँ पर अपन इसी इक्विलिब्रिया के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज वॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर ओके अब मान लो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया है इसमें अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा दिस विल डिक्रीज मतलब जो वेपरस है दीज विल डिक्रीज अगर वेपर डिक्रीज होता है तो वॉट हैपन्स टू द इक्विलीब्रियम ये इक्विलीब्रिया है ना ओके okay. ये इक्विलिब्रियम अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपना इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इज इट अकॉर्डिंग टू ली शटलियस प्रिंसिपल तो ये जो इक्विलिब्रिया है दैट इज शिफ्टिंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन ओके क्योंकि अपन ने क्या किया है इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो जिसके वजह से वेबर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और अपना पूरे के पूरा इक्विलिब्रियम राइट हैंड में शिफ्ट होगा तो इसके वजह से क्या होगा जो सॉलिड है ओके okay, जो सॉलिड है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू लिक्विड एंड लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेन टू वेपर यही हो रहा है ना इट तो इसका मतलब सॉलिड को उसी स्टेट में लाने के लिए इक्विलिब्रिया है दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला इक्विलिब्रिया है जब अपन लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे उस पर्टिकुलर पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं तो वेन सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू लिक्विड तो वेपर निकालने के वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पूरे का पूरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया तो मेरे को सॉलिड फॉर्म करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इट दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ही डिक्रीज हो गया टू गेट द सेम क्वांटिटी ऑफ आइस आई नीड टू सेम टू गेट जस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्योंकि अब सॉलिड इट्स सेल्फ इज लेस तो मेरे को टू गेट द सेम क्वान्टिटी या सेम पॉइंट आई नीड टू लोअर द टेम्परेचर ओके सो इसको अपन क्या बोल रहे हैं लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस क्लियर ये अंडरस्टूड एग ए तो देखो रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको जब अपन ने नॉन वोलाटाइल सोल्यूड किसी लिक्विड में डाला ओके सो वे आर टेकिंग टॉकिंग समथिंग लाइक आइस सोल्यूशन या सॉरी शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन इसकी बात कर रहे हैं जब अपन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज़ होता है इट? वेपर प्रेशर ही डिक्रीज हो गया मतलब जो लिक्विड के ऊपर वाला जो वेपर रहेगा वही कम हो गया तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है अपना अकॉर्डिंग टू ली शडलियस प्रिंसिपल इट विल शिफ्ट इन द राइट हैंड डायरेक्शन इसका मतलब सॉलिड जो है वो डिक्रीज हो गया इट जो आइस है वही डिक्रीज हो गया to get the same quantity of ice, I will need to now lower it even more. ज़्यादा कम करना पड़ेगा टेम्परेचर और इसी principle को अपन बोलते हैं lowering in freezing point. ये ग्राफ जब देखते हैं अपन तो ज़्यादा कन्वीनियंटली समझ में आ जाता है तो मैं तुमको ग्राफ दिखा देता हूँ इसका थोड़ी देर में सो होल्ड ऑन अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया एकदम क्लियर नहीं हुआ है तो अभी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे देखा ये गया है जैसे अपन ने देखा कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोलैलिटी उसी तरह से डेल्टा टी एफ ओके मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोलैलिटी मतलब कि कितना सॉल्यूट अपन ऐड कर रहे हैं उसमें उसके ऊपर डिपेंड करेगा इज दैट्स वाई दिस इज अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी ओके और इसको फिर अपन इक्विलिब्रियम सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ला लेते हैं सो दैट इज के एफ़ सो so, ये जो इक्वेशन है दैट इज सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला ओके okay? उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन ये इक्वेशन लेते हैं रिजेंट यहाँ पे ये, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट ओके ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे के एफ इसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट समझ में आया ना इसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये तो बेसिकली uh, लंबा चौड़ा हो जाता है तो ध्यान में क्या रखना है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ओके यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इबिलोस्कोपिक इबिलोस्कोपिक मतलब बॉइलिंग से रिलेटेड है ओके okay? सो so इसको इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं और इसको क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोल रहा है ओके okay? अब के एफ अगर निकालना है किसी भी लिक्विड का तो वैसे ही निकालेंगे जैसा के भी निकाला था के भी कैसे निकाला था अपन ने आई टूक वन मोलल सोल्यूशन वन मोलल सोल्यूशन और इसका बिफोर और आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट ले लिया ओके okay? बी फोर था टी वन और या फिर टी इनिशियल ले लो और आफ्टर था टी फाइनल डेल्टा तो डेल्टा टी एफ सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ़ टाइम्स एम ओके दोनों के डिफरेंस से मेरे को डेल्टा टी मिल जाएगा ओके मोलालिटी कितना था वन सो मेरे को सॉरी के बी रहेगा सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी उसी तरह से मैं अगर वन मोलल सोल्यूशन लेता हूँ तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ क्लियर है क्या ओके दिस इज बेसिकली सेम तो तुमको दो जो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वहां पे सिर्फ अपन बॉइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे अपन फ्रीजिंग कर रहे हैं दोनों के इक्वेशन सिमिलर टाइप के इक्वेशन है तो so, तुमको याद एक ही प्रॉपर्टी रखनी है क्लियर है ओके okay, एक ही चीज ध्यान में रखनी है ओके अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सेम वहाँ पे टी बी आता था यहाँ पे टी एफ आ गया वहाँ पे के बी आता था यहाँ पे के एफ आ गया दैट इज़ द ओनली डिफरेंस एवरीथिंग एल्स इज सेम और बाकी जो अपन देखते हैं मोलर मास निकालते हैं वो इक्वेशन भी सिमिलर है ओके okay? तो एग्जैक्ट सेम सिमिलर आएगा जहाँ पे आ, जहाँ पे टी बी था वहाँ पे टी एफ आ जाएगा जहाँ पे के बी था वहाँ पे के एफ आ जाएगा बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी ओके okay? सो so, देखो इस तरह से अपन निकालते हैं मोलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उससे अपन मोलर मास इस तरह से निकालते हैं सो so, हम क्या करेंगे ये अपना इक्वेशन है ओके okay? और सेम प्रोसेस है देर इज एग्जैक्ट सेम प्रोसेस इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं एक ही चीज़ ध्यान में रहोग दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाती है मोल वाला इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे अपन एम इज इंट एम इज इक्वल टू अपने को मालूम है क्या था दिस इज एम तो ये एम यहाँ पे रख दिया मैंने डेल्टा टी एफ के एफ टाइम्स एम ओके तो ये अपना इक्वेशन हो गया मेरे को मोलर मास अगर निकालना है तो मोलर मास के लिए मैं इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा ओके okay? देखो के बी था वहाँ पे के एफ आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट जैसे का वैसा टाइम्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स डेल्टा टी एफ ओके सो ये है डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एडिशन ऑफ सॉल्यूट और आफ्टर एडिशन ऑफ सोल्यूट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि इफ आई टेक वन आई टेक वाटर ठीक है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस इट? तो मैं लूँगा टी इनिशियल कितना रहेगा मेरा टी इनिशियल रहेगा 273 सेवेंटी थ्री कैलविन ओके और अब टी फाइनल कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा इससे बताओ कम रहेगा इज इट सो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं अपन 272 सेवेंटी टू केलविन हो गया ओके okay? मतलब डेल्टा टी एफ कितना हो गया वन के वन केलविन या डिग्री सेल्सियस या फिर डिफरेंस देखो सेम आता है डजेंट मैटर ये डिग्री में ले रहे हो या सेल्सियस डिफरेंस तुम्हारा सेम ही रहेगा तो ये मेरा टी एफ रख दिया दैट इज अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी ओके दिस इज अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी अगर मैंने इसमें ज़्यादा सोल्यूट डाला तो ये टेम्परेचर और कम हो जाएगा मतलब ये जो टेम्परेचर था दिस विल डिक्रीज इवन मोर अगर मैंने इसमें ज़्यादा सोल्यूट डाला तो इट इज़ अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पे आ रहा है ओके सो मोलर मास और जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका रिलेशनशिप कैसा आ रहा है इनवर्स रिलेशनशिप इज इट इसके पहले वाला जो अपन ने देखा था कौन से कौन सी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने एलिवेशन डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय पी नॉट दैट वाज़ द क्वालिकव प्रॉपर्टी इसको अपन बोलते थे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स बी यही बोला था नाइट और एक्स बी के जगह मोल फ्रैक्शन के जगह अपन मोल्स लिखते हैं फिर मोल फ्रैक्शन के जगह मोल्स लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट और उसको फिर मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेल्टा पी बाय पी नॉट कहाँ आता है डिनोमिनेटर में इट वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय वेट ये आ गई तुम्हारी क्वालिकटिव प्रॉपर्टी ओके और ये रिलेशनशिप कैसा है इनवर्स सेकंड क्वालिकव प्रॉपर्टी कौन सी देगी थी आ इनवर्स रिलेशनशिप and this is our last one, वंथ uh, sorry third one, okay molar mass और colligative property का inverse relationship है okay इसका सिग्निफिकेंस समझ लो अभी ओके okay? यार ये चारों प्रॉपर्टीज जो है colligative प्रॉपर्टीज़ चारों में तुमको इन्वर्स रिलेशनशिप मिलेगा अगर मान लो कि colligative प्रॉपर्टी ज़्यादा है मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया बाई एडिंग सेम अमाउंट ऑफ या सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट एस विद समथिंग एल्स ओके जैसे मैंने दो सॉल्यूट ऐड किए ओके दोनों का वेट मैंने सेम डाला है ओके okay? वेट अगर सेम डाला है लेकिन मोल्स तो सेम नहीं रहेंगे ना जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसके मोल्स कम आएंगे और जिसका मोलर मास कम है उसका उसके मोल्स ज़्यादा आएंगे उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे इज एंटेड तो अगर वेट सेम डाला है तो मोलर मास अगर ज़्यादा है तो मोल्स क्या हो गए फिर अगर मोलर मास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे कम ओके okay? अगर मोलर मास ज़्यादा है तो मोल्स कम हो जाएंगे तो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा चेंज नहीं होगी इज इट इन्वर्स रिलेशनशिप आ रहा है ना इज इट उसी तरह से अगर मोलर मास अगर मान लो कम है ओके okay, छोटा मॉलिक्यूल है तो अपन बोलेंगे कि ज्यादा पार्टिकल्स अपन ऐड करेंगे अगर ज्यादा पार्टिकल्स ऐड किए हैं तो डेल्टा टी एफ कैसा रहेगा वो भी ज्यादा चेंज होगा मोल्स का और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है ओके सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी ओके लेकिन मोलर मास इज इनवर्सली रिलेटेड टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दिस शुड भी सेंसीबल अगर मास ज़्यादा है मोलर मास अगर ज़्यादा है तो उसके कम पार्टिकल्स बैठेंगे फॉर सेम वेट अंडरस्टूड है सो दैट्स वाई यू गेट अर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड एनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के एफ जो है उसको अपन मोलर एंथल्पी ऑफ फ्यूजन से निकाल सकते थे जैसे के बी अपन एंथल्पी ऑफ वेपराइजेशन से निकाल सकते थे मोलर एंथालपी ऑफ वेपराइजेशन उसी तरह से के एफ में मोलर एंथल्पी ऑफ फ्यूजन से निकालूंगा दिस इज बेसिकली द सेम फार्मूला ओके के बी वाला फार्मूला ये था एम आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंथलपी ऑफ वेपराइजेशन टाइम्स थाउजेंड सेम फार्मूला दोनों इट तो तुमको याद एक ही चीज़ रखनी है कोई भी एक चीज़ बाकी सारी मतलब अगर आ, 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 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ध्यान में रखा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ध्यान में रहता है या फिर ये ध्यान में रखा तो वो ध्यान में रहता है इट सिर्फ केयर ही लेना है कि कौन सा टर्म यूज़ करना है एंड दैट शुड बी ईजी सो दिस इज़ अ फेज डायग्राम यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा ओके okay? दोनों के दोनों पॉइंट्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो मान लो कि हम लोग ये पोर्शन कंसीडर करते हैं तो यही पोर्शन हमने इसके पहले कंसीडर किया था इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ओके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जब कवर किया था तो यही पोर्शन यही ग्राफ था बेसिकली सो लेट्स से वी स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ओके और जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा ओके okay? और एट सम पॉइंट इट विल बिकम वन ए तो उस केस में इट इज गोइंग टू स्टार्ट बॉइलिंग ओके नाव दिस इज़ बेसिकली प्योर वाटर तो ये बॉइलिंग जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस नाव इसी वाटर में मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा मान लो कि यहाँ पे आ गया और अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा धीरे 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 एट सम पॉइंट इट इज़ गोइंग टू बी एट वन ए और यहाँ पर यह बॉइलिंग शुरू होगा और इसको मैं अगर ट्रेस करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया है, इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ओके नाउ इसी ग्राफ में अपन क्या करेंगे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे मतलब रादर देन हीटिंग इट अप हम इसको कूल cool करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सो so, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और एट सम पॉइंट इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रीजिंग दिस इज फ्रीजिंग स्टार्टेड तो इसका मतलब जो वाटर था दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू आइस इट तो जैसे जैसे मैं इसको कूल करूँगा तो दिस इज गॉटन कन्वर्टेड इन टू आइस नाउ तो अब जो वेपर प्रेशर है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा सो तो ये जो ग्राफ है ओके दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ एच टू यहाँ पे वेप वाटर के ही वेपरस आ रहे हैं ओके okay. और जो नीचे वाला जो ग्राफ है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ आइस ठीक है ना इसलिए ये स्टीप डिक्रीज हो रहा है जब वेपर प्रेशर इतना आएगा तो फ्रीजिंग स्टार्ट होगा ओके okay. एंड अपना जो जैसे जैसे अपन कूल करते जाएँगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा अब ये जो पॉइंट है वो ट्रेस करता हूँ मैं सो दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो फॉर वाटर ओके सो ये ग्राफ मिल रहा है अपने को वाटर के लिए ये ग्राफ मिल रहा है अपने को आइस के लिए उसी तरह से ये जो ग्राफ है इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा अब इसका वेपर प्रेशर मैं सॉरी uh, टेम्परेचर मैं कम करता हूँ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होते जाएगा और ये ये पॉइंट पे आके मिलेगा अब यहाँ पे इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इन टू आइस ठीक है ना तो विथ सॉल्यूट जो है देखो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो गया क्योंकि अब मेरे को इसको ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा टू गेट इट कन्वर्टेड इंटू आइस दिस इज विदाउट सॉल्यूट एंड दिस इज़ विथ सॉल्यूट एजेंटेड देखो ये पॉइंट ये जो ग्राफ है या ये जो पार्ट है ग्राफ का उस पार्ट पे जब वेपर प्रेशर आएगा तभी वो फ्रीज होगा सो so ये लाइन देखो वहां पे टच हो रहा है एंड दैट्स वाई द फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज ओके इसको अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट ओके सो दॉज अबाउट थर्ड क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट ऑस्मोसिस अपना जो फोर्थ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर इट ऑस्मोटिक प्रेशर ये अपना फोर्थ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी था और इसके बारे में अपने को बात करने का है बिफोर वी गो टू ऑस्मोटिक प्रेशर हमको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर ये सारी चीज़ें समझनी होगी ये तुमको थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आता है बेसिकली इसकी कुछ इक्वेशन तुमको फिजिक्स में भी आते हैं ओके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑब्वियसली लेकिन हमको थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए ये फिजिक्स में ऑफकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक ओके okay. तो ठीक है फिजिक्स में थोड़ा आता है लिक्विड और ये सारी चीज़ों को लेके ऑस्मोसिस अपन समझते हैं ओके सो अगर मान लो दो सोल्यूशन लेते हैं डायल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन दो सोल्यूशन है ओके okay? और इसको अगर मैंने मिक्स कर दिया तो क्या होगा जो कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्यूशन है उसका जो कॉन्सनट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा ओके okay? और जो डायल्यूट सोल्यूशन था उसका कॉन्सन्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और एक कोई इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन अपने को मिलेगा ये काय की वजह से हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से लिक्विड डिफ्यूजनस की वजह से दो लिक्विड मिक्स हो रहे और जो कॉन्सनट्रेशन था दोनों सोल्यूशन का उसके बीच का एक कॉन्सनट्रेशन अपने को यहाँ पर मिल रहा है सो so, ये जो डायल्यूशन प्रोसेस है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ओके तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि जो सॉल्युड uh, पार्टिकल्स थे वो दैट एट हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वो मूव हुए टू अ टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसी हो रहा है ना सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ओके okay? तो अब मान लो कि हम दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन

इस तरफ डिफ्यूजन आराम से होगा अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन क्या है ये मालूम है क्या तुमको एनी वे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज समथिंग दैट विल ओनली अलो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल ओके okay? ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास आई टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कुछ जैसे छोटे मॉलीक्यूल्स को पास होने देती बड़े मॉलीक्यूल्स को पास नहीं होने देती दैट इज द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन वोट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ मेम्ब्रेन दैट विल नॉट अलाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अटॉल एटॉल बोले तो ऑब्वियसली नथिंग इज हंड्रेड परसेंट बट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ब्लॉक हो जाएंगे सिर्फ सोलव मॉलिक्यूल्स पास होंगे अंडर है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते ऐसे मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके इसके अगर एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक्सपेरिमेंटली जो यूज़ किए जाते हैं यू माइट फाइंड इट सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं ओके okay? वो होता है पिग की इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन ओके पिग इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन यूज किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स ओके इट्स अ वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्रेन राइट उसके अलावा पोटैटो स्किन पोटैटो के ऊपर का जो स्किन होता है दैट इज ऑल्सो अ सेमी परमिएबल मेमरेन अभी आई डोंट नो हाउ गुड इट इज एज अ सेमी परमिएबल मेमबरेन बट इट इज अ सेमी परमिएबल मेमरेन देर आर ऑल्सो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्रेन आजकल बना जैसे नेफियॉन मेमरेन करके आता है दैट इज यूज एज अ सेमी परमिएबल मेमबरेन और अगर आपके घर में आर ओ मशीन लगी है आर मशीन मालूम है ना मिनरल वाटर वाली मशीन ओके okay? आर का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस ओके तो उसके अंदर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ही है हंड्रेड परसेंट ओके इट ऑल्सो हैज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होपफुली इट डज नॉट हैव अ पिक स्किन क्योंकि यू नो इट डजेंट आर नॉट दे डोंट यूज दैट फॉर दैट कैन पर्पज इज नाउ ना वी हैव सिंथेटिक मेमरेन जो ज़्यादा टफ होती है ज़्यादा चलती है कैना थिंग्स लाइक दैट ओके बट these आर the सेमी permeable membranes that कैन allow ओनली solvent मॉलिक्यूल्स नॉट the solute मॉलिक्यूल ओके okay? तो अब क्या होगा देखो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन के लिक्विड को अपन मिक्स करते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूट्स लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जाते हैं दैट्स उसे लेकिन अब सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते यस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट मूव तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन मूव सॉल्वेंट पार्टिकल्स बताओ किधर से किधर जाएंगे हाँ सॉल्वेंट पार्टिकल देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स इस तरफ मूव होने चाहिए थे लेकिन मूव हो सकते हैं क्या नहीं ओके okay? तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर जाएंगे ठीक है ना देखो कॉन्सेंट्रेशन जैसा अपन बोलते हैं ओके सो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट भी तो बोल सकता हूँ ना मैं गलत है ऑब्वियसली बट बोल तो सकता हूँ ना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तो लो कॉन्सनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लो सॉल्वेंट हिजेंट इट और यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है हिजेंट है तो हाई टू लो ही तो मूव हो रहा है ना सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्वेंट मूव हो रहा है फ्रॉम हाई टू तो लो Isn't it? क्या इसके लिए एनर्जी लगेगा क्या मेरे को नहीं राइट दिस इज बेसिकली लाइक अ डिफ्यूजन रादर दैन सॉल्यूट पार्टिकल्स मूविंग यहाँ पे सॉलवेंट पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं दैट इज द ओनली डिफरेंस ओके सो दैट दिस इज कॉल्ड एज ऑसमोसिस ओके दिस इज वेरी कॉमन इन आवर एवरी डे लाइफ एक्चुअली बहुत कॉमन है ओके ऑसमोसिस इज वेरी कॉमन जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू अ लिटल एक्सपेरीमेंट एक्चुअली घर में ही तुम छोटा सा एक्सपेरीमेंट करके देख सकते हो आई ऑल शो इट टू यू सो वॉट यू कैन डू इज एक बॉक्स ले लो ओके okay, एक uh, कोई बर्तन ले लो और उसमें जस्ट फिलिट इथ वाटर और इसमें क्या करना है पानी ले लिया मैंने अब क्या कर लो कि एक पोटैटो ले लो पोटैटो को Uh, सिर्फ एक छोटा सा बीच में वेज बनाना है तो इस तरह का दिखेगा पोटैटो इसमें रखना है अपने को ठीक है ना ये बर्तन में रखना है पोटैटो सो आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट लाइक अ पोटैटो और इसको मैं ऊपर से इस तरह से कट करूँगा ठीक है ना वेज निकाल लिया है एक छोटा सा वहाँ से ओके और इसको यहाँ पे रख दो और यहाँ पे अब क्या करना है आई टेक अनदर सोल्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे कोई शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन ले लो इस वेज में ओके okay, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ये हो गया वाटर नॉर्मल वाटर प्योर लिख रहा हूँ मैं बट जस्ट नॉर्मल वाटर अब बताओ पानी का मोमेंट किधर होगा क्या पानी इस एज में बढ़ेगा या इसमें कम होगा ये जो पोर्शन है इसमें वाटर लेवल बढ़ेगा या कम होगा वाटर मूव होगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव सॉल्वेंट मूव हो रहा है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये जो लेवल है ये इंक्रीज होगा ओके दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस ओके अगर मान लो इफ आई टेक अ फ्लास्क और इसमें मैंने वाटर ले लिया है और इसके अंदर एक सेल डाल दिया मैंने या एग डाल दिया एग ओके okay? एग डाल दिया पानी के अंदर अब ये जो एग है इसका साइज बढ़ेगा या कम होगा एक का साइज बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट्स है एक, एक के अंदर इसका इसके अंदर काफ़ी सारे सॉल्यूट है काफ़ी सारे मिनरल्स है आयन्स है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है तो दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो पानी अंदर मूव होगा ओके okay? तो एग फुल जाएगा वही अगर मैंने ये कर लिया कि ये जो सोल्यूशन था मेरा इस सॉल्यूशन में मैंने इफ आई टुक समथिंग लाइक कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया तो अब बता एक का जो साइज है वो कम होगा या बढ़ेगा अब कम होगा इट कि ये ब्राइन सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होते हैं ओके नॉर्मल सेल्स जो होते हैं अपने उनका परसेंटेज होता है जनरली जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑसमोलेरिटी बोलते ठीक है ना ऑस्मोलैरिटी तो जीरो पॉइंट नाइन परसेंट जनरली इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है ओके नॉर्मल सेल्स की दिस इज ट्रू फॉर ऑल सेल्स या कुछ सेल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है लेकिन इन जनरल की बात कर रहे हैं एवरेज की बात कर रहे हैं और जो ब्राइन सॉल्यूशन है दैट इज़ एक्चुअली मच मोर कॉन्सेंट्रेट ब्राइन सॉल्यूशन जनरली टेन परसेंट तक होता है टेन परसेंट सॉल्ट सोल्यूशन को अपन ब्राइन परसेंट ब्राइन सोल्यूशन मतलब दिस इज मल्टीपल टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द एग सोलू एग इजेंटेड तो पानी का बहाव कहाँ रहेगा फिर अभी बाहर रहेगा ओके दिस इज आव द वॉटर विल मूव और जैसे जैसे ये वाटर में होगा वैसे वैसे, वैसे, वैसे एग जो है वो श्रिंक होगा अब तुमको समझा के बताता हूँ चिप्स क्यों नहीं खाने चाहिए चिप्स क्यों नहीं खाने चाहिए बता सेम थिंग इज एंटेड ये तुम्हारा सेल है और तुम उसको सराउंड कर रहे हो इंटी इंटो हाई हाई मोलर सोल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एजेंटेड ऑस्मोलिटी जो तुम्हारे ब्लड की है वो बढ़ जाएगी उसमें ज़्यादा सॉल्ट आ गया ज़्यादा सोल्यूट आ गया तब वो क्या करेगा वो सोल्यूशन क्या करेगा मतलब ब्लड क्या करेगा पानी लेगा ना कहाँ से पानी लेगा तुम्हारे सेल्स सेल को डिहाइड्रेट कर रहा है एजेंटेड ऐसा ना या सॉल्टी फूड खाते हैं तो प्यास बहुत लगती है पानी कहाँ जा रहा है ब्लड में जा रहा है ब्लड में जा रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इज इन डेड ओके सो इसीलिए एंड शुगर इज ऑल्सो अ सॉल्यूट शुगर ऑल्सो डज द सेम थिंग लेकिन देर इज अ एंजाइम इन आवर बॉडी जो शुगर को सेल के अंदर पुश करता है एंजाइम का नाम क्या है वॉट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट पुशेस जैसे अगर यहाँ पे अगर शुगर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा शुगर को सेल के अंदर लेके जाएगा इस एंजाइम का नाम क्या है ओके सो इंसुलिन इज़ द एंजाइम दैट पुश द शुगर इनसाइड द सेल इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है फिर यहाँ पे शुगर ज़्यादा रहेगा ब्लड में ओके okay? अब ब्लड का शुगर कहाँ से निकलेगा फिर ओबियसली ब्लड का शुगर हो गया तो पानी तो बाहर आएगा और लेकिन शुगर कम हो रहा है क्या नहीं ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी ब्लड प्रेशर बढ़ते रहेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा है ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस जाम हो जाएगा ना तुम्हारा किडनी के नेफ्रॉन्स जाम हो जाएंगे किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा इजेंटेड अब किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा तो हो सकता है किडनी अपना काम ठीक से ना करे तो सबसे पहले इंडिकेशंस क्या मिलते हैं फिर यूरिन में से शुगर निकलता है यूरिन में अगर शुगर मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है किडनी फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है ईजेंटेड ओके okay, और इसको अगर ट्रीट नहीं किया क्योर और नहीं किया तो ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किडनी कैन आल्सो फेल ब्लड निकलेगा यूरिन में से अच्छा लगेगा क्या नहीं ना क्यों क्योंकि टीवी पे पर ऐड आती थी चॉकलेट खाने के लिए इज एंड डेड ओके शुगर को वी बिकेम अडिक्टेड द बिगेस्ट ड्रग इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली शुगर राइट नाउ वी आर ऑल अडिक्टेड टू शुगर ओके

ये ऑस्मोसिस uh, का डेमॉन्स्ट्रेशन ये बेसिकली देर इज अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन दिस इसको थाइल फनल बोलते हैं बेसिकली थाइल फनल इसको लिखते थिसल है पर इसको प्रोनाउंस करते हैं थाइल फनल ओके और ये ट्यूब है बेसिकली इसके एंड में नीचे में बॉल मतलब स्फेरिकल अ, शेप है और उसके एंड में लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये सॉल्यूट है और उसके अंदर में यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन डाला है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाएंगे हाइट ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा अब हाइट ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा तो क्या होगा ग्रेविटेशनल पुल भी तो है वेट बढ़ेगा मास बढ़ेगा तो नीचे के तरफ फोर्स बढ़ेगा इसी फोर्स को क्या बोल रहे हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर ओके सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया कि एक टाइम क्या आ जाएगा बेसिकली दो मतलब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम वाला प्रिंसिपल आ रहा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जा रहे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं दोनों चीज़ें हो रही है लेकिन अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर ज़्यादा जाएंगे और बाहर कम आएंगे ओके रेट ऑफ इनफ्लो ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट का रेट ऑफ आउटफ्लो कम रहेगा और एक टाइम आ जाएगा कि जैसे जैसे ये लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऊपर का प्रेशर भी बढ़ रहा है ऊपर से ज़्यादा फोर्स आ रहा है इट? इस परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये रिटार्ड कर रहा है इनफ्लो को जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर आना चाहते हैं उनको रिटार्ड कर रहा है ऊपर से अब एक टाइम आ जाएगा कि जो इनफ्लो और आउटफ्लो है रेट उसका सेम हो जाएगा ओके okay? तो ये कब होगा जब जो प्रेशर एग्जर्टेड है दैट इज कंप्लीटली रिटार्डिंग द इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स और इस प्रेशर को अपन बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ओके ऑस्मोटिक प्रेशर को इस केस में अपन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं अंडरस्टूड है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्योंकि दैट इज बेसिकली अ प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड हाइट ऑफ द वाटर ओके इसको अपन इस तरह से लिख सकते ऑस्मोटिक प्रेशर को ओके प्रेशर कंसिडरेशन से अगर ये फिजिक्स में आएगा तुमको फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर को पाए से इंडिकेट कर रहे एच रो जी ओके ये फिजिक्स वाला फार्मूला हो गया केमिस्ट्री में अपन लिखते है, CRT, okay? so, okay? और और हैं पा इक्वल टू सी आर टी ओके सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ओके और आर और टी सेम रहेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाता हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा ओके बट जनरली अपन टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट ही रखते हैं जनरली टेम्परेचर अपर चेंज नहीं जनरली रूम टेम्परेचर ही होता है टेम्परेचर सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा ओके सी को अपन लिख सकते हैं एन बाई वी दैट इज सी तो ये हो जाएगा अपना नया सेकंड वेरिएशन ऑफ दैट अब यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाए दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओके सो इट बिकम्स अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी इज एंटेड ये कई की होगी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई क्लियर है सो इट डिपेंड्स अपॉन द मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट वी आर एडिंग टू इट सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो दैट्स वाई इट इज़ अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी और इससे भी आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सो पाई इज इक्वल टू ये अपना फॉर्मूला का एन बाई वी आर टी या सी आर टी इसको बोल सकते हो ओके okay, एन यहाँ पे लगा दो एन इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट ओके ये हो गया तुम्हारा वेट बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ओके सो दैट इज योर पाई एम के लिए ओके इसको सॉल्व uh, कर लो सो so, वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी डिवाइडेड बाय पाई वी ओके समझ में ना पाई वी तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो लेते हैं अपन वो लेते हैं ज़ीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो निकाल रहे हैं अपन बार में निकाल रहे हैं अगर एटीएम में निकालते हैं प्रेशर तो ज़ीरो पॉइंट जीरो एट टू वन लेंगे वैल्यू ओके अंडरस्टूड है ना सो दैट इज द वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे वन बाय ट्वेल्व भी ले सकते हो ओके दैट इज मोर कन्वीनियंट इस केस में सो दैट इज योर मोलर मास कैलकुलेशन यूजिंग पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ पे भी रिलेशनशिप कैसा आ रहा है मोलर मास और पाई का इनवर्स रिलेशनशिप बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कुछ और चीज़ें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है बेसिकली दीज आर यू नो मतलब एन सी आर टी के बुक में नहीं दिया है ये बट एडिशनली अपने को जैसे ए बी सी में देखते हैं तो वहाँ पर दिया और एडिशनली इसके ऊपर एक जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके दैट्स वाई दिस कैन अ पार्ट ऑफ द साइंस थिंग्स दैट्स वाई यू सपोज टू नो इट दैट्स वाई आई एमूडेड इंक्लूडिंग इट इन हीयर ओके सो सबसे पहले अपन किस तरह से है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं वो देखते हैं ओके अगर आप डिफरेंट बुक्स देखोगे तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दी रहेंगी कई-कई बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं राइट इट डजेंट मैटर ओके इट डजेंट मैटर द प्रिंसिपल बिहाइंड दैम ऑल ऑफ दैम इज सेम ओके सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा है तो तुम ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मेजर कर सकते हो बट द प्रिसिपल रिमेन्स द सेम ओके सो यहाँ पर ये यूट्यूब ले लिया अपन ने ओके यहाँ पर क्लियरली प्योर वाटर ले लिया और इस साइड में ग्लूकोज सोल्यूशन है और देर इज अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन राइट इन द मिडल ऑफ इट तो स्टार्टिंग में देखो दोनों का लेवल सेम है और जैसे जैसे ऑस्मोसिस होगा ओके वैसे वैसे ये लेवल बढ़ेगा ओके इधर का लेवल कम होगा अब इधर का लेवल बढ़ रहा है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाए अंडरस्टूड है तो अब क्या करेंगे अपन इसको इस एंड से पुश करेंगे कब तक पुश करेंगे जब तक ये दोनों लेवल फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ जाती तो ये जो प्रेशर अपन लगा रहे दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर अंडरस्टूड है द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर इजी ए डेफिनेशन बनाना ओके जो प्रेशर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं अपन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ओके जो प्रेशर लगा रहे टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ओके अगर करना है तो जनरली अपन क्या करते हैं कि वी जस्ट मेंटेन द ओरिजिनल लेवल यहाँ पे अपन विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्केल यहाँ पे लेके आ जाएंगे हमको मालूम है ये ये लेवल पे लेवल था ओरिजिनल ऑस्मोसिस स्टार्ट करेंगे देन जस्ट अप्लाई द प्रेशर ओके एंड विल मेंटेन द ओरिजिनल लेवल जितना प्रेशर मेरे को लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी द ऑस्मोटिक प्रेशर तो इस तरह से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है नेक्स्ट चीज़ रिवर्स ऑस्मोसिस ओके दिस इज हाउ वी गेट अवर आर ओ वाटर फिल्टर ओके तो ये सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि घर में लगी होती है मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में आर ओ मशीन्स लगी है ओके आई एम नॉट सेइंग कि दे आर हेल्दियर आर और वडेवर बट सभी के घर में इवन एट माई प्लेस देर इज अ आर ओ मशीन ठीक okay. है तो यहाँ पे क्या होता है कि देर इज अ पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है मेन्स से अपना जो म्यूनसिपल का कम, जो ये है या मेन जो कनेक्शन है वहाँ से पानी आ रहा है बट इसमें देखो काफ़ी सारे सॉल्यूट है सो so ये पीने लायक नहीं है ऐसा बोलेंगे ओके माइट बी कंटेमिनेटेड विथ सम थिंग्स बैक्टीरियाजर इट्स जस्ट हैज़ मोर सॉल्यूट इन इट ओके जनरली जैसे इफ़ यू आर टेकिंग अ वाटर फ्रॉम समथिंग लाइक वेल और समथिंग लाइक दैट ओके तो इसमें क्या होता है कि देर इज़ मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं एंड दिज आर बेसिकली आयंस हार्ड आयंस भी हो सकते हैं सॉफ्ट आयंस भी हो सकते हैं इसमें तो देर आर जस्ट आयंस इन देयर ओके और होता क्या है कि वी वॉन्ट टू प्योरीफाईट तो हम क्या करेंगे कि इस केस में देर इज़ अ प्योर वाटर ऑन दिस साइड देर इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन हीयर ओके okay? और ये केस में यहाँ पे देर इज़ प्योर वाटर ओके okay? अब क्या करेंगे जैसे अगर मैं करता हूँ इसको ऐसे ही अगर रखता हूँ तो क्या होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव इन दैट डायरेक्शन यस फ्रॉम लो कॉन्सनट्रेशन टू हाई कॉन्सनट्रेशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव होंगे यही होगा ना ओके okay? अगर ऐसे ही रखा मैंने तो मैं क्या करूँगा इधर से प्रेशर इंसर्ट प्रेशर लगाऊंगा यहाँ से ओके अप्लाई प्रेशर फ्रॉम दिस साइड जब यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूँगा तो दिस इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव होंगे अपोजिट डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर देखो अपन जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं ओके okay, इस केस में सो वी आर डूइंग द सेम थिंग यहाँ पे देखो ये इधर ज़्यादा पार्टिकल्स मूव हो रहे और एट इक्विलिब्रियम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वी आर जस्ट मेंटेनिंग दैट इक्विलिब्रियम मतलब सॉलवेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों तरफ मूव हो रहे इससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगाया मैंने तो क्या होगा इधर लेवल बढ़ेगा एजेंटेड तो यही अपन यहाँ पे कर रहे हैं ओके okay? इस साइड से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉलवेंट के पार्टिकल्स इधर आएंगे तो अपने को प्योर पानी ज़्यादा मिलेगा ये अपन ड्रेन कर लेंगे अब ये जो पार्टी ये जो पानी होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा डिजॉल्ड है ये जमा हो जाएगा तो ये अपन निकाल लेंगे ड्रेन करेंगे और उसकी जगह नया आ, नया पानी लाएंगे उसको प्रेशराइज करेंगे उससे प्योर वाटर निकालेंगे अंडरस्टूड है तो इस तरह से ये स्टेजेस में अपन इसको प्योरीफाई करते हैं पानी को ओके दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस सो ऑस्मोसिस इज इन दैट डायरेक्शन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इज इन दैट डायरेक्शन अंडरस्टूड रिवर्स ऑस्मोसिस ओके रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्समोसेसॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसके लिए अपने को एनर्जी एनर्जी लगती है अब इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी इलेक्ट्रिसिटी वी यूज दैट ओके तभी तो करंट में लगा होता है ना सिंपल जो अपने वाटर फिल्टर होते हैं उसके लिए पानी की इलेक्ट्रिक करंट लगाने की जरूरत होती है क्या सिंपल वालों में नहीं आर मशीन को बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम चला ही नहीं सकते क्लियर है ऑलराइट ये एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन एग्जाम्पल इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेटेड ही है 200 हंड्रेड एम एल ऑफ एक्ट सोल्यूशन कंटेंस वन पॉइंट टू सिक्स ग्राम ऑफ पॉलीमर ओके ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है एट दैट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है टू पॉइंट मतलब पाई की वैल्यू दे दी है अपने को कोजेंटेड और वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है ओके कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर ओके तो ये जो पॉलीमर था इसका मोलर मास अपने को निकालना है तो अपन ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वेट ऑफ सोल्यूट दिया है अपने को येस वन पॉइंट आर की वैल्यू अपने को मालूम है कौन सी यूज़ करना है बार में प्रेशर है तो जीरो यूज़ करना है अपने को वन बाय ट्वेल्व यूज़ करना है वन बाय ट्वेल्व ज़्यादा कन्वीनियंट होता है टेम्परेचर दिया है पाए ओके ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है यही है टू पॉइंट और वॉल्यूम टू हंड्रेड एम हो गया एम निकाल लो okay? ओके तो इस तरह से अगर तुम आंसर निकालते हो तो आंसर आता है सिक्सटी वन थाउजेंड सिक्सटी वन थाउजेंड थर्टी नाइन ओके एंड दैट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ दैट प्रोटीन देखो वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसी तरह से हम लोग बाकी भी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वी कैन यूज़ डिफरेंट क्वालिकेटिव चार क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है चारों के चारों अपन यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो होता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ओके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्योंकि देखो पहला जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इजेंट इट फर्स्ट जो देखा था अपन ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें अपने को मेजर करना पड़ता है डेल्टा पी बाय पी नॉट ये दोनों क्वांटिटीज बहुत एक्यूरेटली अपन मेजर नहीं कर सकते नेक्स्ट जो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसमें अपने को डेल्टा टी बी मेजर करना पड़ता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो अपन ठीक ठाक मेजर कर लेते बट स्टिल एक्यूरेसी इज नॉट देयर ओके हम लोग ये प्रॉपर्टी सर्टन एक्यूरे एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लेते हैं बट सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी अपन मेजर कर सकते हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ओके दैट बिकॉज प्रेशर मेजर करना इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस ओके इस केस में सो वी कैन मेजर दैट बिकॉज वी आर अपलाइंग इट इज इट रिमेंबर वी आर अप्लाइंग इट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं चेंज इन प्रेशर मेजर कर रहे हैं इनिशियल प्रेशर और फिर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो कितना है यहाँ पे जब अपन पाए मेजर कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली अप्लाइंग द प्रेशर ओके और हमारे जो प्रेशर गॉज है दैट कैन बी मेड इनटू वेरी सेंसिटिव प्रेशर गॉज सो पाए मेजर करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर सो ये जो क्वांटिटी है कैन सी दैट कितने एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर किया है क्या इतने एक्यूरेसी के साथ मैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर ये डेल्टा टी एफ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंजिंग फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर सकता हो क्या नहीं ना इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर बहुत छोटा चेंज इन प्रेशर है फॉर दैट अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा अगर मेरे को ज्यादा चेंज मतलब मेजरेबल चेंज चाहिए जिसको मैं थोड़ा एक्यूरेटली मेजर कर सकूं तो अगर ऐसा चेंज लाना है मेरे को तो उसमें बहुत सारा सोल्यूट मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना इट बहुत ज्यादा सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा सो so दैट जो चेंज है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन वेपर प्रेशर ये मेजर करना वे मेजरेबल रेंज में आएँ इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू राइट बट ऑस्मोटिक प्रेशर अपन बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं दैट्स वाई दिस इज़ द वन दैट आई कैन बी एक्चुअली यूजड क्लियर है तो yes, yes. so, इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग प्रॉपर्टीज ओके दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओके